नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्पेशली जो जो कैंडिडेट्स डीवी एज वेल एज मेडिकल में अब्सेंट रह गए किन्हीं कारणों के कारण, दोस्तों उनके लिए ये लास्ट अवसर है। और साथ ही साथ जो जो कैंडिडेट जिन्हें बायोमेट्रिक में बहुत दिक्कत आई है, जिनका बायोमेट्रिक डिसमैच्ड हो गया था, उन्हें कहा गया था कि आपको किन्हीं दिनों के कारण और बुलाया जाएगा, दोस्तों उसी के ऊपर जो कोलकाता जोन है दोस्तों, उनकी तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन देखेंगे अपन। और दोस्तों, मैं वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दूं आपको कि ये लास्ट अवसर है। दोस्तों, नोटिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा है, मैं आपको ओरली पढ़ के बता दूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा खींचा जाएगा। दोस्तों, ये आपके पास लास्ट चांस है। आप सभी को पता है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब है उसका हिस्सा बनने वाले हैं, आपको ये लास्ट मौका दिया जा रहा है। अगर आप अपना डीवी एज वेल एज मेडिकल और जो बायोमेट्रिक और अदर जो फॉर्मेलिटीज़ अगर इनकम्प्लीट रह गई होगी, तो दोस्तों ये आपको लास्ट अवसर दिया जा रहा है कि आप जाइए और उसे कंप्लीट कीजिए, क्योंकि उसके बाद पैनल लिस्ट जारी होना आपको पता है कि स्टार्ट हो चुकी है, और फिर उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर भी आना बाकी है। तो दोस्तों, इसीलिए उन सभी कैंडिडेट्स, मेरे सभी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आपकी जो भी फॉर्म इनकम्प्लीट और जो भी फॉर्मेलिटीज़ इनकम्प्लीट रह गई, प्लीज़ उसे जाइए और कंप्लीट कीजिए। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। आप एडवर्टीजमेंट नंबर देख सकते हैं, नोटिस फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स। पहला, द कैंडिडेट्स हुज मेडिकल एग्जामिनेशन वॉज नॉट शेड्यूल्ड ड्यू टू डिस्क्रिपेंसी इन डॉक्यूमेंट्स आर एडवाइज टू सबमिट द प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स। दोस्तों, सो सॉरी, थोड़ा सा ये जो नोटिस है वो पहले आ चुका था, मैंने जैसे कल चेक किया तो मैं 2-3 दिन बहुत मतलब लेट हो गया था। तो दोस्तों, उन सभी को 27/5/2019 से लेके 31/5/2019 के बीच में बुलाया गया था आरआरसी ऑफिस ऑन अ वर्किंग डे बिटवीन 10 to 3 PM। सेकेंड पॉइंट में, इफ़ एनी रिसबमिशन देयर डॉक्यूमेंट आर फाउंड करेक्ट, देयर मेडिकल वुड बी रिशेड्यूल्ड शॉर्टली ड्यूली कंसल्टिंग द कॉन्कर्ड रेलवे हॉस्पिटल। दोस्तों, अगर किसी का डॉक्यूमेंट जो इनकरेक्ट रह गया है, उनको सबमिट करना था दोस्तों, तो इसके अंतराल में दोस्तों जो डेट दी गई थी अपने को 31/5/2019, ये लास्ट डेट थी दोस्तों, उसके बीच में आपको 1 or 2 वीक का जो पीरियड है वो एक्सटेंड करके बुलाया गया है। फिर ऑल बायोमेट्रिक मिसमैच एंड अब्सेंटिस कैंडिडेट्स आर फाइनल चांस। दोस्तों, ये थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि ये फाइनल चांस दिया जा रहा है सभी उन सभी कैंडिडेट्स को जिन सभी का कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट रह गया है। और फिर इसमें लिखा हुआ है, ऑल बायोमेट्रिक मिसमैच कैंडिडेट, जो एडवर्टीजमेंट नंबर देख रहे हैं आप, अपियर फॉर डॉक्यूमेंट अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज टाइम। दोस्तों, आपको सभी को पता है कि 31 लास्ट डेट थी, तो 10 दिन का और समय दिया जा रहा है, कम से कम आपके 2 वीक का और समय। आप जाइए अपने आरआरसी पे, ऑफिस पे जाइए, आपका डीवी और मेडिकल करवाइए। ऑल मिसमैच एंड एब्सेंटिस कैंडिडेट, दोस्तों इसमें भी आपको अनाउंस जो डेट है वो शॉर्टली अनाउंस कर दी जाएगी, और आपको आपकी जो फॉर्मेलिटीज है उसे कंप्लीट करना पड़ेगा। फिर द डेट वुड बी अनाउंस, देखिए दोस्तों, मैं आप बार बार कह रहा था आपको कि जो डेट है वो शॉर्टली अनाउंस्ड हो जाएगी। प्लीज़ कीप चेकिंग द वेबसाइट फॉर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, प्लीज़ आप वो साइट रेगुलर अपडेट करते रहिए, इससे आपको बहुत एडवांटेज होगा। और ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे रखा है, आप जाइए और चेक कीजिए। फ्रेंड्स, आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, जिन जिन कैंडिडेट्स का डीवी और मेडिकल रह चुका है, एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही कुछ लेटेस्ट अपडेट आता है मैं उसे वीडियो बनाकर पोस्ट कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, होप आप सभी को पसंद आए। दोस्तों, थैंक यू सो सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।